तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं गोहिल जी के साथ एमएस एक्सेस डेटाबेस और एमएस एक्सेस डेटाबेस में हम टेबल्स के बारे में बात करेंगे, फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सेल से डेटा हम कैसे रखें, किस पे, एक्सेस पे। एक्सेल का डेटा, मेरे पास तीन से अलग अलग डेटा है, तो एक तो तरीका मैंने समझाया था, आपको याद होगा कि मैंने यहाँ एक्सटर्नल में जाके हम इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं इंपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं डेटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और हम यहाँ इसको सिलेक्ट करके हम कंट्रोल वी और ओके कर देते हैं, तो ये हमारा पेस्ट हो जाता है। हो गया पेस्ट। लेकिन पेस्ट करते समय ध्यान रखिएगा कि आपकी जो ए है फर्स्ट कॉलम ब्लैंक होना चाहिए, दिक्कत होता है इसमें। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सेल्स कर देते हैं, देखिए क्या दिक्कत क्या होती है कॉपी पेस्ट करने में, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे टेबल आपने ले लिया, मान लीजिए कस्टमर है, तो मान लीजिए हम आईडी छोड़ के नेम से कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ देखिएगा, नेम का कॉलम पेस्ट नहीं होगा। नहीं हुआ पेस्ट, नहीं हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो है एक कॉलम ब्लैंक ले लें यहाँ से, समझे। या फिर आपने आईडी वगैरह कॉलम बना रखा है तो उसको यूज कर लें। अभी भी दिक्कत है तो मैं कोई इसको नो कर देता हूँ, नया टेबल लेता हूँ, F2 क्रिएट हो गया था ना इसलिए। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। आ गया, हाँ आ गया। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं, यहाँ पे आईडी के जगह पे इसका नाम CID कर देता हूँ, CID, ठीक है। और इसको सेव करता हूँ और इसको कर देता हूँ हमारा कस्टमर, ठीक है। तो दो टेबल हमने बना दिए, और तीसरा टेबल भी यहीं से हम प्रोडक्ट का उठा रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और क्रिएट टेबल हमने सेलेक्ट किया एंड पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया एंड यस कर दिया, और ये आईडी को PID कर दिया, राइट। अब इसमें जो है मैं एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ जिसमें तीनों शीट का हम डेटा देख सके या डाल सके, तीनों शीट तीनों टेबल में, तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होना जरूरी है। अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो रिलेशनशिप के लिए हमें जाना होगा यहाँ डेटाबेस टूल्स में रिलेशनशिप। एक नया टैब खुलेगा, दिख रहा है आपको नया। अब मैंने यहाँ पे टेबल्स को उठा के ड्रॉप कर दिया, तीनों टेबल उठा के ड्रॉप कर दिया। अब मेन टेबल हमारा सेल्स है, राइट, क्योंकि डेटा तो सेल्स में है ना, बाकी तो इसके सपोर्टर है। तो CID के डेटा उठा के इसकी जो CID है इसके ऊपर मैंने ड्रॉप कर दिया, CID क्रिएट। देन इसकी PID डेटा लिया और इसकी PID पे ड्रॉप कर दिया, PID पे PID एंड क्रिएट। अब तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब रिलेशनशिप क्रिएट होने से एक फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, अब देखिए मैं कस्टमर में आता हूँ, तो ये देखिए पूजा है, तो पूजा ने कितनी चीजें परचेज की है उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे आ गया, दिख रहा है सर, बराबर। और प्रोडक्ट में आते हैं तो एक्सेल को किस किस ने परचेज किया है उसका पूरा लिस्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम जाते हैं फॉर्म के ऊपर, तो यहाँ पे क्रिएट में हम फॉर्म नहीं लेंगे, हम जाएंगे डिजाइन फॉर्म में, क्योंकि मेरा कोई पर्टिकुलर एक टेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ डिजाइन टेबल पे लेंगे और टेबल को अपने हिसाब से आकार दे देंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ चाहिए टाइटल चाहिए, क्या तो यहाँ हमने लेबल को लिया और लेबल को ड्रैग कर दिया और यहाँ देता हूँ, लिखता हूँ सेल्स रिकॉर्ड 2021, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह होनी चाहिए थी, तो यहाँ प्रॉपर्टी शीट आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। प्रॉपर्टी शीट में आप चले जाए फॉर्मेट में, विजुअल हो गया हाइट लेफ्ट, इसमें फॉन्ट दिखेगा, फॉन्ट नेम दिख रहा है,
फॉन्ट साइज दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो फॉन्ट साइज मुझे बढ़ाना है, तो फॉन्ट साइज में 20 कर देता हूँ या उससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट लाइन फॉन्ट इटैलिक करना नहीं, फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर हम यहाँ से अपना कलर चूज कर लिए जो आपको कलर चाहिए। तो मैं मुझे चाहिए ये ब्लू, हमने ब्लू ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से और भी बहुत सारे फॉन्ट है जिसका यूज कर सकते हैं हम, ओके ओके। तो ये हमने फॉन्ट यहाँ पे ले लिया टाइटल्स। अब बात आती है कि हम यहाँ पे फील्ड्स लें, तो यहाँ एग्जेसिव फील्ड में शो टेबल्स। अब मैं यहाँ पे सेल्स की टेबल ले रहा हूँ क्योंकि सेल्स मेन है, तो हमने यहाँ पे आईडी डाला। अब देखिए दूर दूर है ना ये, तो दो पॉइंट दिख रहा है इसमें कि इसके इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा समझे, हो गया समझा। और उसके बाद डेट को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, डेट, ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। उसके बाद मैं यहाँ पे पीआईडी यहाँ रखना चाहता हूँ, पीआईडी, और पीआईडी के साथ पीआईडी की डिटेल्स वगैरह शो होने चाहिए यहाँ पे। तो पीआईडी के डिटेल्स यहाँ से आएगा, कहाँ से? कस्टमर से। तो प्रोडक्ट का डिटेल चाहिए ना मुझे, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का टेबल मैं यहाँ से प्रोडक्ट का नेम यहाँ रख देता हूँ। तो एक काम और भी कर सकते हैं कि मैं इसको ऊपर रख दूँ तो सही रहेगा रो वाइज, वरना ऐसे दिक्कत हो जाएगी देखने में। प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट की एमआरपी, और यहाँ पे एमआरपी को लगा के ऊपर रखता हूँ और यहाँ पे एमआरपी आता है, ओके सर। हाँ ओके। उसके बाद हम यहाँ कस्टमर से आते हैं, कस्टमर अब यहाँ से इसमें आते हैं, सेल्स में आते हैं। सेल्स में हम इसकी सेल्स की सीआईडी लेते हैं और सीआईडी को यहाँ रखता हूँ और उसको भी उसी तरीके से अरेंज कर लेते हैं जैसे ऊपर हमने किया है, ओके ओके। और यहाँ पे क्वांटिटी तो मैं रखा नहीं सर, यहाँ क्वांटिटी भी रखना होगा ना हमें, क्वांटिटी रख देते। अब यहाँ पे सीआईडी आ गया, अब यहाँ पे हम देते हैं सीआईडी की जगह पे सीआईडी का नेम, नेम कस्टमर ऊपर यहाँ रखते हैं, यहाँ पे इस पर देखते हैं, ठीक है। और सिटी कस्टमर, सिटी को लिया और सिटी को ऊपर यहाँ पे लिया और यहाँ पे सिटी रख दिया। तो अब मेरा रिपोर्ट तैयार है, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, सेव, और यहाँ पे सेल्स कर देता हूँ। देन अब यहाँ जैसे सेल्स को ओपन करेंगे, देखिए दिख रहा है सर, यहाँ पे मान लीजिए मैं 10 नंबर अब देखिए प्रॉब्लम है कि मैं इसमें किसी तरह के चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 20 करके एंटर मारता हूँ तो 20 का रिकॉर्ड आ गया, पर 20 रिकॉर्ड में आईडी इज 94। एक मिनट, मैं एक मिनट कस्टमर में जाता हूँ, कस्टमर आईडी सेल्स में 94, इसने रिकॉर्ड 94 के दिखा दिया यहाँ पे, इसको दिखा दिया 3140। हाँ तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि मैं इसमें किसी तरह का एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। कंट्रोल कांट बी एडिट इट बाउंड ऑटो नंबर डायल, ओ सॉरी ऑटो नंबर इस कारण से नहीं कर सकते, समझ रहे बात को? आज समझ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसके लिए हमें जाना होगा कस्टम सेल्स बाय टेबल के डिजाइन पे, डिजाइन,
और जो ऑटो नंबर है इसके जगह पे हम सिर्फ नंबर कर देते हैं एंड सेल। अब सेल्स में आते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप टाइप कर सकते हैं, टाइप करके जैसे एंटर प्रेस करूँगा आ गया 4। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कर दिया 7। 7 जैसे एंट्री मारा, टैप दिया तो देखिए, एक मिनट, नाइन लिख के एंटर मारता हूं तो 10। अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड करता हूं तो क्या आता है? यहां पे अगर 20 कर दिया तो अच्छा, यहां पे आ रहा है रिकॉर्ड, यहां पे डालने पे आता है एक्सेस। तो यहाँ अगर मान लीजिए मैं डालता हूँ 7, तो सिर्फ डेट क्या चेंज होता है 42। ये 9 कर दिया तो क्या आएगा 70 किया तो नहीं। ओके, ये ऑटो नंबर जाने के कारण चेंज नहीं हो रहा है, समझ गया ना? हाँ समझ गया। तो बेसिकली ये जो हुआ, इसमें हमने डेटा एंट्री फॉर्म बनाया। जैसे इसमें मान लीजिए कि हम आपको 3-4 टेबल पे, मान लीजिए कि एक एक कुछ चीज क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 5-7 टेबल पे एंट्री करनी होती है। तो 5 अलग अलग फॉर्म नहीं लिखना। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसमें एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है? जैसे 240, हाँ 240, यहाँ पे हमने डेट चेंज कर दिया टुडे का, ओके 3 है, 3 के जगह पे यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 5 कर दिया ना? हाँ 5 तो है ही ऑलरेडी, मैं 5 के जगह यहाँ पे 6 करता हूँ, 6 करते ही ब्लैंक हो गया। सिक्स में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट का नाम एक्सेल, नहीं टैग करने दो, ओके एंटर द वैल्यू इज इनटू ब्लैंक फिल वन साइड आउटर जॉइन, ओके ओके। रिलेशनशिप को जाने के कारण ये सिर्फ व्यू कर सकता है, जब रिलेशनशिप कर देते हैं ना सर व्यू करता है। एक मिनट कहाँ गया रिलेशनशिप डेटाबेस में, रिलेशनशिप ये लिंक किससे हो गया? ओके मैं इसको दोबारा से लिंक करना पड़ेगा, तो ये लिंक हट गया है। फिलहाल मान लीजिए रिलेशनशिप में फिलहाल हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना? फिलहाल हम टाइप करने के मूड में है, तो मुझे एक साथ कई टेबल पे डेटा टाइप करना है, राइट? तो मैं यहाँ आया, मैंने न्यू पे क्लिक किया, पूरा ब्लैंक हो गया, या आईडी नंबर दिया मैंने 400, डेट आज की सिलेक्ट की मैंने, और यहाँ पे पीआईए नंबर 6, नेम डाल दिया मैंने यहाँ पे एमआईएस, एमआरपी मैंने डाल दी 20, और यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, एमआरपी मैंने डाल दिया 200, और क्वांटिटी मैंने डाल दिया 70, ठीक है? और यहाँ जो हमारा कस्टमर आईडी 1 है, और यहाँ पे डाल दिया, यहाँ 1 तो है ही ऑलरेडी, 1 होगा तो दिख जाएगा, जो डाला होगा वो दिख जाएगा, नया डालना है तो आपको यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 नंबर है हमारा, तो 6 नंबर ब्लैंक हो गया, सिटी हमने डाल दी मान लीजिए कानपुर नहीं करता हूँ, मुजफ्फरपुर, और नेम है ना, नेम यहाँ पे डाल देता हूँ मैं देव, और सिटी में MUZ। अब जैसे टैप मारूंगा, ये देखिए हमारा कस्टमर में आइए, कस्टमर में देव नाम मुजफ्फरपुर की एंट्री हो गई ना सर? हाँ हो गया। प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे MR6 MIS और 200 के MRP आ गया, और सेल्स में सबसे लास्ट में 400 की एंट्री आ गई, समझ गए? समझा, 400 जी। अब मान लीजिए कि यहाँ हमारे पास 10 है ना,
10 में पीआईडी नंबर 3 डाला, लेकिन पीआईडी नंबर 3 नहीं, यहाँ पे पीआईडी नंबर 6 होना चाहिए, क्वांटिटी 80 होना चाहिए था। तो क्या करें, तो मैं क्वेरी नंबर यहाँ पे आईडी नंबर मान लीजिए 10 डालता हूँ, 10 डाल के जैसे ही एंट्री करता हूँ तो यहाँ अब देखिए क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है क्योंकि ये हमेशा नई एंट्री ले रहा है। यहाँ नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे 10 आपको दिख जाएगा, समझे? तो इसने 10 का डेट वगैरह यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, 10 जनवरी है ना, यहाँ पे 10 का 10 जनवरी शो करना चाहिए था। तो यहाँ मैंने अगर आज का डेट डाल दिया, टुडे डाल दिया, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं हमारा पीआईडी वही होना चाहिए, क्वांटिटी में यहाँ पे 100 डाल देता हूँ और सीआईडी हमारा होना चाहिए था 3 और जो सीटीएस भी डाले। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पे नेक्स्ट पे इस पर क्लिक करूँगा, सॉरी नेक्स्ट नहीं, इस पर न्यू पे क्लिक करना हो, ऐड क्लिक किया, क्या बता रहा है, तो चेंज आर रिक्वेस्टेड टेबल इज नॉट सक्सेस बिकॉज देयर इज द डुप्लीकेट वैल्यू। समझ में आया कुछ कि नहीं? समझा नहीं सर, फिर से। बेसिकली क्या हुआ कि ये हमने जो ऑटो नंबर हटा दिया है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ देखिए कि हमने यहाँ पे इसकी इसके ऑटो नंबर हटा दिया है, जिस कारण से उसके अंदर हम नहीं डाल सकते। अगर मैंने इसको ऑटो नंबर कर दिया तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऑटो नंबर नहीं होगा यहाँ पे, ऑटो नंबर हटाने के कारण वो डिजिटल एक नई एंट्री करेगा। तो मतलब कि जब आप अगर आप ऑटो नंबर हटा देते हैं तो उस केस में जब फॉर्म के अंदर डालेंगे तो यहाँ आपको फाइंड आउट करके नहीं देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10 डाल के सर्च किया, देखिए अब आ गया, यहाँ से आपको सर्च करना होगा, यहाँ डालने से नहीं आएगा। अच्छा, समझे? तो आपको आईडी यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, तो जो 10 इसने डाला था, इसने 10 5 को सर्च कर दिया। इसमें मैं इसे मान लीजिए कि मैंने इसमें इसमें कर्सर रखा और मैंने कर दिया 22, अब यहाँ पे 20, तो कर्सर यहाँ रखना पड़ेगा, देन सर्च करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इसके ये जो रिलेशनशिप है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं भी शुरुआत में हो गया था कंफ्यूज। इसमें दो तरह की चीजें होती है, एक होती है जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे टेबल डिफरेंट डिफरेंट टेबल पे डेटा को टाइप करना है। अच्छा, दूसरा इसमें होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा से टेबल को लेना है, डेटा लेना है। जैसे मान लीजिए एक रिकॉर्ड है, एक सेल हुआ, तो किसको सेल हुआ, कस्टमर कौन सा था, कब सेल हुआ, ट्रांसपोर्ट का, ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग डेटा में है, आपको जस्ट उसको डेटा को रिट्रीव करना है। तो उस केस में इसका हम यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये सीखिए कि आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल में डेटा कैसे डालेंगे। समझ गए? हाँ समझा सर, डिफरेंट डिफरेंट उसमें डेटा डालने का। जी हाँ जी हाँ, इसमें रिलेशनशिप करने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। इसमें क्या करना है सर, खाली टेबल बनाने का है सर। हाँ, टेबल बना लीजिए और फॉर्म को साथ टेबल के इंप्लीमेंट कर दीजिए, बस। तो इस हिसाब से अंदर हो जाएगा सर। जी जी जी, सबके अंदर एंट्री हो जाएगी। अच्छा, अभी सेल्स परचेज इनवॉइस सब में एक ही में खाली इनवॉइस में अलग आ जाएगा? जी हाँ जी। अब इसका यूज कहाँ होता है बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक डीलर, आपने डीलर एक आप मान लीजिए रजिस्ट्रेशन किया आपने। हाँ हाँ, तो जब डीलर आप क्रिएट करेंगे अपने सीट में तो आपको कई सारी चीजें, तो डीलर रिकॉर्ड चाहिए आपको, जहां पे डीलर की पूरी इंफॉर्मेशन हो। फिर उसको आपको एक प्रोडक्ट आई एक एक प्रोडक्ट कोड डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट वो डीलर लेगा, वो डिफाइन करना पड़ेगा आपको। फिर एक टेबल आपका है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, समझे सर। और आपने जो रिलेशनशिप जो दिखाया था सर, वो रिलेशनशिप अपन को बना के उसके अंदर आज विदाउट रिलेशनशिप कीजिए, कल मैं रिलेशनशिप पर बता दूंगा कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अच्छा, और मैं वो बना के रेडी करके मैं सेंड कल सुबह करता हूँ सर।